फिल्म की शुरुआत में हमें एक ओगर यानी कि एक राक्षस दिखाया जाता है। ये हरे रंग का होता है और बहुत बड़ा होता है और बहुत डरावना भी लगता है। इस ओगर का नाम श्रैक होता है। श्रैक इंसानों से बहुत दूर एक स्वैम्प में रहता है और सभी लोग श्रैक से काफी डरते भी हैं और श्रैक को कोई इंसान पसंद भी नहीं करता। और अगर कोई इंसान उससे मिलने की कोशिश भी करता है तो श्रैक उसे डराकर भगा देता है। लेकिन एक दिन वहां का राजा फानक्वाट लोगों को स्वैम्प में फेरी टेल क्रीचर्स को बेचने का ऑर्डर दे देता है। इसलिए वहां पर बहुत सारे इंसान फेरी टेल क्रीचर्स को लेकर आते हैं उन्हें बेचने के लिए। और उनमें एक बूढ़ी औरत भी होती है जो कि अपने साथ एक डोंकी को लेकर आई होती है उसे बेचने के लिए। लेकिन ये कोई आम डोंकी नहीं होता बल्कि ये एक ऐसा डोंकी था जो कि इंसानों की भाषा बोल सकता था। लेकिन वो डोंकी अपनी मालकिन से अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए वो डोंकी उस सोल्जर के सामने नाटक करता है जैसे कि वो बोल ही नहीं सकता। उसकी मालकिन उससे बुलवाने की कोशिश भी करती है और सोल्जर से कहती है कि ये बहुत बोलता है, लेकिन फिर भी वो डोंकी चुप रहता है। अब सोल्जर समझते हैं कि उसकी मालकिन झूठ बोल रही है और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन इतने में ही उस डोंकी पर एक फेरी का डस्ट गिर जाता है जिससे कि वो हवा में उड़ने लगता है और हवा में उड़ते ही वो डोंकी बोलने लगता है। अब उन सोल्जर्स को पता लगता है कि ये डोंकी तो बोल सकता है और थोड़ी ही देर में डोंकी पर से उस फेरी की डस्ट का असर भी खत्म हो जाता है और वो वापस जमीन पर गिर जाता है। अब सारे सोल्जर मिलकर उस डोंकी के पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो डोंकी उनसे बचने के लिए जंगल में भाग जाता है और भागते भागते वो सीधा श्रैक के पास पहुंच जाता है। लेकिन वो सोल्जर भी उस डोंकी के पीछे पीछे जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो श्रैक को देखते हैं वो उससे बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब डोंकी बच जाता है। इसके बाद अब डोंकी श्रैक के ही पीछे पीछे चलने लगता है। श्रैक उस डोंकी को अपने साथ नहीं रखना चाहता था क्योंकि वो डोंकी बहुत ज़्यादा बोलता था और श्रैक का दिमाग ख़राब कर देता था। लेकिन वो डोंकी उससे कहता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए श्रैक को उस पर तरस आ जाता है और उसे वो अपने साथ ले जाता है। लेकिन श्रैक उसे अपने घर के अंदर नहीं जाने देता और उसे कहता है कि वो उसके घर के बाहर ही रहे। लेकिन जब श्रैक शाम को अपने घर के अंदर बैठकर खाना खा रहा होता है तो वो देखता है कि उसके टेबल पर 3 चूहे हैं। श्रैक उन्हें उठाकर फेंक देता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके घर में फिर कोई और घुसाया है और फिर वो देखता है कि कोई और फेरी घुसाई है। तो इसके बाद श्रैक अपने दरवाजे को खोलकर घर के बाहर देखता है और उसे पता चलता है कि उसके घर के बाहर फेरी टेल के क्रीचर्स ने अपना पूरा कैंप लगा लिया है और बहुत सारे फेरी टेल के क्रीचर्स उसके घर के बाहर ही रह रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के राजा फानक्वाट ने उन क्रीचर्स को स्वैम्प में रहने का ऑर्डर दिया होता है। फेरी टेल के क्रीचर्स श्रैक से कहते हैं कि उन्हें राजा ने उनके घर से दूर भेज दिया है और इस स्वैम्प में रहने के लिए कहा है, वो अब कहीं नहीं जा सकते। लेकिन श्रैक कहता है कि वो जाकर उस फानक्वाट से बात करेगा और अपने स्वैम्प को खाली करवाएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि किस डोंकी के अलावा और किसी को भी ये नहीं पता होता कि फानक्वाट कहाँ रहता है, इसलिए श्रैक को उस डोंकी को ही अपने साथ ले जाना होता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद हमें वो राजा फानक्वाट दिखाया जाता है जो कि साइज में बहुत बोना सा होता है। और अब हम ये भी देखते हैं कि फानक्वाट के पास एक स्नो वाइट मिरर है जो कि उसे बताता है कि वो एक असली राजा नहीं है और उसे असली राजा बनने के लिए एक राजकुमारी से शादी करनी होगी। इसके बाद वो स्नो वाइट मिरर उसे 3 राजकुमारियों की फ़ोटो दिखाता है जिसमें सबसे पहली होती है सिंड्रेला। वो उसे बताता है कि ये सारा दिन काम करती रहती है और बहुत उदास रहती है। इसके बाद वो मिरर उसे स्नो वाइट दिखाता है और इसके बाद आखिर में वो मिरर उसे एक प्रिंसेस फियोना की फ़ोटो दिखाता है जो कि एक टावर में सबसे ऊपर वाले कमरे में कैद होती है और उस टावर की हिफाजत एक ड्रैगन कर रही होती है और फियोना से शादी करने के लिए उसे उस ड्रैगन से लड़कर उसे बचाकर लाना होगा। फानक्वाट उन तीनों में से फियोना को ही चुनता है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रैक और वो डोंकी फानक्वाट के पास पहुंचते हैं और फानक्वाट ने वहां पर अपने सोल्जर्स में एक कंपटीशन रखा होता है। वो अपने सबसे अच्छे सोल्जर्स की एक फौज तैयार करता है और उनसे कहता है कि जो भी राजकुमारी फियोना को बचाकर ले आएगा वो उसे एक बहुत बड़ा इनाम देगा। श्रैक फानक्वाट से बात करना चाहता था लेकिन फानक्वाट अपने सोल्जर से उसे ही मारने को कहता है। लेकिन श्रैक और वो डोंकी मिलकर उसके सारे सोल्जर्स को हरा देते हैं।
अब इसके बाद फानक्वार्ट श्रेक से बात करता है। श्रेक फानक्वार्ट को बताता है कि उसे उसका स्वॉम्प वापस चाहिए, लेकिन अब फानक्वार्ट श्रेक से एक डील करता है। वो कहता है कि अगर वो प्रिंसेस फियोना को उस ड्रैगन से बचाकर उसके पास ले आएगा तो वो उसे उसका स्वॉम्प वापस दे देगा, क्योंकि श्रेक को तो अपना स्वॉम्प वापस चाहिए ही होता है, इसलिए वो उस फानक्वार्ट की बात को मान जाता है और फानक्वार्ट से डील कर लेता है। इसके बाद श्रेक और डोंकी 3 दिन तक पैदल बहुत दूर तक सफ़र करते हैं और आखिरकार उस महल तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो राजकुमारी फियोना कैद होती है। लेकिन उस महल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक ब्रिज को पार करना होता है जिसके नीचे बहुत गर्म लावा बह रहा होता है। डोंकी उस ब्रिज पर चढ़ने से बहुत डरता है, लेकिन श्रेक डोंकी को डराकर उस ब्रिज को पार करवा ही देता है। जब वो दोनों ब्रिज के उस पार महल में पहुंच जाते हैं तो श्रेक डोंकी से उस कमरे में जाने को कहता है जहां पर फियोना कैद होती है और खुद ड्रैगन से लड़ने का फैसला करता है, लेकिन वो ड्रैगन डोंकी पर ही हमला कर देती है। लेकिन इतने में श्रेक ड्रैगन की पूंछ पकड़ लेता है और वो ड्रैगन उसे बहुत ऊपर हवा में उछाल देती है, जिससे कि वो उस कमरे में गिर जाता है जहां पर फियोना कैद होती है। अब हम देखते हैं कि वो ड्रैगन डोंकी पर हमला करने वाली होती है, लेकिन डोंकी बहुत चालाक होता है और वो ड्रैगन को अपनी बातों में फंसा लेता है। वो कहता है कि उसके दांत बहुत सुंदर हैं और उसकी आंखें भी, और वो ड्रैगन एक लड़की होती है इसलिए वो उसकी बातों में आ जाती है और उसे छोड़ देती है। अब हम देखते हैं कि फियोना एक बेड पर लेटी होती है। फियोना सोचती है कि उसे बचाने वाला कोई प्रिंस चार्मिंग होगा जो कि उसे किस करेगा, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसे बचाने वाला श्रेक है, और श्रेक जाते ही उसे बेड से उठा देता है और उसे जल्दी से अपने साथ चलने को कहता है। फियोना को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन जब वो नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि ड्रैगन ने डोंकी को पकड़ लिया है और वो ड्रैगन उस डोंकी को किस करने वाली होती है। लेकिन इतने में ही श्रेक एक चेन बांध कर आता है और उस डोंकी को वहां से निकाल लेता है और खुद उस ड्रैगन के ऊपर गिर जाता है और वो ड्रैगन गलती से श्रेक के बम पे किस कर देती है। इसके बाद श्रेक उस चेन को ड्रैगन के आसपास उसके पैरों में लपेट देता है और वहां से बाहर निकलने लगता है। लेकिन इतने में ही ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों पर आग छोड़ देती है, लेकिन वो तीनों अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं और पुल के उस पार पहुंच जाते हैं। अब वो उस महल से काफ़ी दूर आ जाते हैं, क्योंकि अब तक फियोना को लगता था कि उसे बचाने वाला कोई प्रिंस चार्मिंग होगा, इसलिए वो उससे उसका चेहरा दिखाने को कहती है। वो कहती है कि मुझे अपने बचाने वाले का चेहरा देखना है, क्योंकि फियोना जिद करती है इसलिए श्रेक अपना हेलमेट उतार देता है और उसे अपना चेहरा दिखा देता है। उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसे बचाने वाला कोई प्रिंस चार्मिंग होगा, लेकिन ये तो एक राक्षस था। लेकिन श्रेक उसे बताता है कि उसे बचाने के लिए उसे एक राजा फानक्वार्ट ने भेजा है, वो उसे उसी के पास ही लेकर जाएगा। लेकिन फियोना कहती है कि फानक्वार्ट खुद आकर उसे, लेकिन श्रेक उसकी बात नहीं मानता और उसे उठाकर ले जाने लगता है। उनके चलते चलते शाम होने लगती है और वो एक जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि फियोना उनसे रुकने को कहती है। श्रेक और डोंकी बाहर खुले में ही रुकते हैं, लेकिन फियोना एक गुफा में चली जाती है और उस पर एक दरवाज़ा लगा लेती है। जब रात होती है तो श्रेक और डोंकी आपस में बातें कर रहे होते हैं। श्रेक डोंकी को बताता है कि लोग उससे बहुत डरते हैं, क्योंकि उन्हें वो बहुत डरावना लगता है। कहता है कि लोगों को लगता है कि वो उन्हें मार देगा या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए लोग उससे डरते हैं और उससे दूर ही रहते हैं, और इसीलिए ही वो हमेशा अकेला रह जाता है। उन दोनों की ये सब बातें फियोना सुन लेती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो फियोना गाना गाने लगती है, लेकिन वो इतनी ज़ोर से गाना गा देती है कि एक चिड़िया फट जाती है। इसके बाद फियोना उस चिड़िया के अंडों का ऑमलेट बना देती है और इन दोनों को खिला देती है। इसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं और अब हम देखते हैं कि फियोना और श्रेक में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि फियोना से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। ये आदमी रॉबिन हुड होता है। अब इसके बाद वो आदमी और उसके साथी मिलकर एक गाना गाने लगते हैं, लेकिन उनका गाना फियोना को बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी वजह से उसे और उसके साथियों को फियोना पर गुस्सा आ जाता है और वो उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन फियोना अकेले ही उससे और उनके साथियों से लड़ लेती है और उन्हें हरा भी देती है। श्रेक ये सब देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन फिर से जैसे ही शाम होने लगती है फियोना बहाने बहाने लगती है कि डोंकी थक गया है और उन्हें कहीं रुक जाना चाहिए। अब वो तीनों एक कॉटेज के पास पहुंचते हैं
जब वो कॉटेज के बाहर होते हैं तो श्रेक फियोना को बताने की कोशिश करता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो उसे नहीं बता पाता। अब जब सूरज ढलने लगता है तो फियोना उस कॉटेज के अंदर चली जाती है और श्रेक और डोंकी उस कॉटेज के बाहर ही होते हैं। लेकिन रात को डोंकी उठ जाता है और उस कॉटेज के अंदर जाता है। जब डोंकी उस कॉटेज के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ फियोना नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक बड़ी डरावनी सी ओगर है और वो उसे देखकर काफ़ी डर जाता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन फियोना उसे शांत करती है और अपनी सच्चाई बता देती है। वो उसे बताती है कि उसे बचपन में एक चुड़ैल ने श्राप दिया था जिससे कि वो सूरज ढलते ही एक ओगर में बदल जाती है और उसका फर्स्ट लव किस ही उसे उसके असली रूप में वापस ला सकता है। लेकिन फियोना डोंकी से कहती है कि भला उस जैसी डरावनी और बदसूरत ओगर से कौन प्यार करेगा। इतने में ही श्रेक वहां आता है और उसकी सारी बातें सुन लेता है। वो उसके लिए फूल लेकर आया होता है ताकि वो उसे ये बता सके कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन श्रेक को लगता है कि फियोना उसे यानी कि श्रेक को ही बदसूरत और डरावना कह रही है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला जाता है। अब अगली सुबह जब फियोना और श्रेक जागते हैं तो श्रेक फियोना से बहुत रूड बिहेव करता है और थोड़ी ही देर में वहां पर फानक्वार्ट अपनी सारी सेना के साथ पहुंच जाता है और फानक्वार्ट श्रेक से कहता है कि उसने उसका स्वम्प खाली करवा दिया है और वो वहां जा सकता है। और श्रेक फौरन अपने स्वम्प का कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद फानक्वार्ट फियोना को शादी के लिए प्रपोज करता है और फियोना मान जाती है। इसके बाद फानक्वार्ट फियोना से कहता है कि वो कल शादी करेंगे, लेकिन फियोना कहती है कि वो चाहती है कि वो आज सूरज ढलने से पहले ही शादी कर लें और फानक्वार्ट इसके लिए मान जाता है। अब श्रेक डोंकी से भी झगड़ा कर लेता है और उसे अपने से अलग कर देता है और अकेला ही अपने स्वम्प की तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि वो तीनों ही अलग अलग होकर जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में डोंकी श्रेक के स्वम्प में वापस पहुँच जाता है। अब स्वम्प से सारी फेरी टेल के क्रिएचर्स जा चुके होते हैं, लेकिन डोंकी श्रेक से कहता है कि वो स्वम्प उसका भी है क्योंकि उसे पाने में उसने श्रेक की मदद की है। लेकिन श्रेक गुस्से में उससे लड़ने लगता है और उसे भी वहां से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन डोंकी श्रेक को बता देता है कि फियोना उससे प्यार करती है और वो उसे नहीं बल्कि किसी और को बदसूरत या डरावना कह रही थी और उसे गलत फहमी है। वो उससे कहता है कि वो जाकर फियोना को बता दे कि वो उससे प्यार करता है। लेकिन श्रेक डोंकी से कहता है कि वो आज शाम उन दोनों की शादी से पहले फियोना के पास कैसे पहुंच सकता है। इतने में हम देखते हैं कि डोंकी अपने ड्रैगन गर्लफ्रेंड को वहां बुला लेता है और वो दोनों उस ड्रैगन पर बैठकर फौरन फियोना के पास पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फानक्वार्ट और फियोना की शादी हो रही होती है, लेकिन श्रेक उनके बीच में पहुंच जाता है और फियोना को फानक्वार्ट की सारी सच्चाई बता देता है। वो फियोना को बता देता है कि फानक्वार्ट उससे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है ताकि वो एक राजा बन सके। ये सब सुनकर फियोना बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन इतने में ही वहाँ सूरज ढल जाता है और फियोना फिर से एक ओगर में बदल जाती है। ये देखकर फानक्वार्ट को फियोना पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने सोल्जर से कहता है कि उसे पकड़कर वापस उसी महल में बंद कर दो जहाँ पर वो पहले कैद थी, और वो श्रेक को मारने का ऑर्डर दे देता है। उसके सोल्जर श्रेक और फियोना को ले जा ही रहे होते हैं कि श्रेक सीटी मारकर डोंकी और ड्रैगन को बुला लेता है और वो ड्रैगन आकर फानक्वार्ट को खा लेती है और ड्रैगन से डरकर उसके सारे सोल्जर भी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद श्रेक फियोना से आई लव यू कहता है और वो दोनों किस करते हैं और इसके बाद ही फियोना का जादू टूटने लगता है। लेकिन फियोना जैसा सोचती थी उसका असर वैसा नहीं होता, बल्कि जादू खत्म होने के बाद भी वो अब तक एक ओगर ही रहती है। यही नहीं बल्कि अब वो परमानेंटली एक ओगर ही बन जाती है। वो श्रेक से कहती है कि उसका असर वैसा नहीं है जैसा कि उसने सोचा था, वो अभी भी बदसूरत है। लेकिन श्रेक कहता है कि अगर वो उसकी नज़रों से देखेगी तो वो बहुत खूबसूरत है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फियोना और श्रेक की शादी हो जाती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उनकी शादी में सारे फेरी टेल्स के कैरेक्टर भी आए होते हैं जो कि उनकी शादी में डांस करते हैं और गाना गाते हैं। और अब डोंकी को भी ड्रैगन से प्यार हो जाता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि श्रेक और फियोना हनीमून पर जा रहे होते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है।